अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद समूचे देश में राम नाम की लहर उमड़ चुकी है। राम भक्त अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। कुछ राम भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो वहीं कुछ राम भक्त पैदल चलकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ फिल्मी सितारे भी रामलला के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, तो वहीं कुछ राजनेता रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पाए थे। इसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हो पाए थे। इसे लेकर जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि वे बाद में अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन कर लेंगे। राम मंदिर को लेकर सवालों से घिरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल भगवान शिव की भक्ति में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नेपाल से लखनऊ शालिग्राम शिला मंगवाई है। शालिग्राम भगवान की शिला लखनऊ पहुँचने पर पत्नी डिम्पल यादव के साथ सपा कार्यालय में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर उनके साथ चाचा शिवपाल यादव के साथ साथ सपा नेता जया बच्चन भी मौजूद रही। शालिग्राम भगवान की शिला लखनऊ पहुंचने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पूजा की वीडियो भी शेयर की। साथ ही उन्होंने लिखा कि श्री शालिग्राम भगवान का आगमन देश प्रदेश के लिए मंगलकारी होगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि श्री शालिग्राम भगवान का आगमन देश प्रदेश के लिए मंगलकारी एवं जन जन के लिए कल्याणकारी हो, इस पावन कामना के साथ हृदय से स्वागत है। मिली जानकारी के अनुसार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा लायन सफारी के पास केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। इस मंदिर करीब 10 एकड़ में बन रहा है। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट।